एक टेक्नोलॉजी मार्वल या एक ट्रैगेड कहानी, टाइटन सबमर्सिबल ने दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन इसकी गहराइयों में क्या छुपा है? क्या ये सिर्फ एक एडवेंचर था या इसने हमें कुछ सीखने को दिया? चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि आखिर टाइटन सबमर्सिबल है क्या और इसका मकसद क्या था। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटन सबमर्सिबल को ओशन गेट ने डिजाइन किया है। ये डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए बनाई गई थी और इसका सबसे बड़ा मिशन था टाइटैनिक रैक तक जाना, जो कि समंदर के अंदर 12,500 फीट की गहराई पर है। ये एक टेक्नोलॉजी मार्वल है, लेकिन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसे मिशन का हिस्सा है जिससे लोगों की कहानियां जुड़ी हैं। इस कहानी में सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं थी बल्कि इंसानी जज्बात भी थे। चलिए बात करते हैं इसके डिजाइन की। टाइटन का स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना है, जो इसे एक्सट्रीम प्रेशर को विदस्टैंड करने की ताकत देता है। इसकी लेंथ 22 फीट है, ये एक छोटी सी बस के बराबर है। इसका डिजाइन 5 लोगों को कैरी करने के लिए बनाया गया था, एक पायलट और 4 पैसेंजर्स। ये डिजाइन पैसेंजर्स को अंडर वाटर सीनरी देखने का मौका देता है। इमेजिन कीजिए आप टाइटैनिक रैक के केज को देख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस होगा? चलो इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ। अब बात करते हैं इसके मेन मिशन की। टाइटन का प्राइमरी मिशन टाइटैनिक रैक तक जाना था। 1912 में टाइटैनिक का डूबना एक हिस्टोरिकल इवेंट था और इसकी कहानी आज तक सबको हिला देती है। इस मिशन का मकसद सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं था बल्कि हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स की प्रिजर्वेशन भी था। रिसर्चर्स को इस एक्सपीडिशन से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, जो ओशनग्राफी और हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट थी। ये मिशन बहुत एम्बिशियस था और इसके दौरान साइंटिस्ट ने टाइटैनिक के कुछ रेयर आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए जो अब तक नहीं देखे गए थे। इन आर्टिफैक्ट्स की स्टडी फ्यूचर रिसर्च के लिए इनवैल्यूएबल है। इस मिशन से जुड़े हुए कुछ पैसेंजर्स की कहानी भी है। एक पैसेंजर जो टाइटैनिक के एक्सप्लोरेशन का हिस्सा था, उन्होंने कहा था, मुझे इस जर्नी का इंतजार है, ये एक ऐसा मौका है जहाँ हिस्ट्री के साथ जुड़ सकता हूँ। उनकी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी इस कहानी को और भी गहरा बनाती है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उनके लिए एक सपना भी था। लेकिन इस कहानी में एक ट्रैजिक ट्विस्ट है। जून 2023 में टाइटन ने एक्सपीडिशन पर निकलते ही कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया और 2 दिन रिसर्च करने के बावजूद भी टाइटन का कुछ पता नहीं चला। और 2 दिन के बाद ये पता चला कि टाइटन इम्प्लोड हो गई है, जिससे 5 लोगों की जान भी चली गई। ये इंसिडेंट मीडिया में बहुत कवर हुआ और लोगों ने गम का इजहार किया। इस इंसिडेंट के बाद एक्सपर्ट्स ने डीप सी एक्सप्लोरेशन की सेफ्टी प्रैक्टिस पर सवाल उठाए, क्या ये मिशन इतने रिस्की होने चाहिए? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आज के दिन साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स इस इंसिडेंट पर गौर कर रहे हैं। क्या हमें फ्यूचर में टाइटन जैसे और मिशन देखने को मिलेंगे? कुछ ओशनग्राफर्स का कहना है कि डीप सी एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन हमें इसमें सेफ्टी को हमेशा पहले रखना होगा। तो ये थी यार टाइटन सबमर्सिबल की कहानी, जो कि एक मिशन था और बुरे तरीके से फेल हो गया। बस इसमें हमें कुछ सामान मिला था जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है। और हाँ, एक वीडियो रिलीज हुई थी जो ओशन गेट ने खुद रिलीज की थी, जिसमें आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि टाइटन सबमर्सिबल बुरे तरीके से जमीन के अंदर धंसी हुई है, जबकि इसका अगला हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा। और इसके अगले हिस्से में ही पैसेंजर्स और पायलट बैठा हुआ था, तो आप सोच सकते हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। चलो खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब करके एबी आर्मी को ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नॉलेज बड़ी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।